हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड जियो एंड मैट्रेन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रेन का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट, मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ और मेजरमेंट ऑफ पीस ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो यूज़ है वो बहुत ही एनिशियंट टाइम से हम जितने भी हमारी सिविलाइजेशन है उनमें हम चेक कर सकते हैं, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन है, चाहे वो बेबीलोन सिविलाइजेशन है, ईरानियन सिविलाइजेशन है, तो सभी जितनी भी हमारी इजिप्ट सिविलाइजेशन है, जितनी भी हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन है, वहाँ पे मेजरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते थे जो पुरानी सिविलाइजेशन के लोग थे, जैसे नील रिवर में हर साल फ्लड आ जाती थी। नील रिवर को इजिप्ट का वरदान माना जाता है, तो वहाँ पे फ्लड आ जाती थी, लोगों को जो उसके किनारे पे होते थे उनकी जो फसल थी वो डूब जाती थी, तो हर बार उनको अपने हिसाब से उस एरिया को दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती थी, या नील रिवर से कितनी दूर वो अपने फील्ड्स को करें, या वहाँ पे क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दें जिससे उनका जो लैंड था वो सुरक्षित रहे, या उनके जो घर बनाने होते थे वहाँ पे भी इनकी मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। मतलब बहुत स्टीक होते थे वो, बहुत ही एक्यूरेट होते थे। हम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जितने हमारे जो ओल्ड सिटीज़ हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पाज, अगर उनकी जो एग्जीबिशन हुई और वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा तो वो बहुत ही डेवलप सिटीज़ थी। लाइक उनकी जो रोड थे वो पैरेलल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे 90 डिग्री के ऊपर। लाइक जैसे जो चंडीगढ़ सिटी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है। उनके जो हाउस थे, उनका जो फेस था वो हमेशा जो स्ट्रीट था उनकी तरफ खुलता था 90 डिग्री पे, मैंने बताया उनको। और ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छा था। उनकी जो अन्नागार जिसमें हम ग्रेनरी बोलते हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। दूसरा, उनकी जो ईंटें थी वो हमेशा 4:2:1 रेशो में, मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड जो हाइट है वो हमेशा इस रेशो में मिलती थी। मतलब एक ख़ास पैटर्न था, वो जो भी चीज़ बनाते थे उनके पीछे ज्योमेट्री स्पेशल होती थी, वहाँ पे उनकी जो मेजरमेंट थी वो स्पेशल होती थी। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीक में बात करें, इजिप्ट में बात करें, वहाँ पे जो पिरामिड थे वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बने हुए थे। लाइक नीचे हमारे पास एक ट्रायंगुलर बेस हो गया, यहाँ पे ये बन गया और ऐसे किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होना, इसका जो बेस है दैट इज ट्रायंगुलर, ये हमारे पास ट्रायंगुलर बेस है और तीनों साइड्स क्या हैं, ट्रायंगुलर है। हमारे पास बेस रेक्टेंगल भी हो सकता था, पेंटागन भी हो सकता है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे जो बेस बन गया वो रेक्टेंगुलर हो गया, कन्वर्ज टू वन पॉइंट। ऐसे ही नीचे पेंटागन हो सकता था। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाते थे वहाँ पे स्पेशल मेजरमेंट की ज़रूरत होती थी, और यूँ इनके वॉल्यूम को भी उनको पता होता था कि अगर ग्रेनरी बना रहे हैं वहाँ पे हमने कितना ग्रेन रखना है, उसकी वॉल्यूम का उनको पता होता था, या पानी का अगर जो कोई भी टैंक बनाते थे उनकी वॉल्यूम का उनको पता होता था, इसकी वॉल्यूम का उनको पता होता था, तो बहुत ही एक्यूरेट होते थे मेजरमेंट में। तो ये जो ज्योमेट्री है हमारी बहुत ही ओल्ड टाइम से चलती आ रही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक मैथमेटिशियंस हुए हैं, थेल्स ग्रीक मैथमेटिशियन थे। यहाँ सबसे पहला जो प्रूफ, अगर हम ज्योमेट्री में बात करें, सबसे जो फर्स्ट प्रूफ था वो इट वाज गिवन बाय थेल्स। थेल्स ने क्या कहा था कि फर्स्ट नॉन प्रूफ टू ह्यूमंस, किसी सर्कल का डायमीटर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय थेल्स। उसके बाद इनका जो फेमस प्यूपिल हुआ है, शिष्य हुआ है, दैट वाज पाइथागोरस। पाइथागोरस
एंड अदर्स जो इसके पीपल्स थे थेल्स के, उन्होंने भी बहुत सारे प्रूफ दिए हुए हैं। पाइथागोरस तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं। पाइथागोरस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ दिया था, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, एंड बहुत सारे अदर्स प्रूफ भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रूफ इसने दिया हुआ था, उसके बाद बहुत सारे प्रूफ पाइथागोरस एंड अदर्स मैथमेटिशियंस ने दिए। फिर उसके बाद थर्ड सेंचुरी में, थर्ड बीसी सेंचुरी में हमारे पास यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियंस हुए हैं। यूक्लिड्स ने, मैथमेटिशियन ने जितना भी ज्योमेट्री का हर जगह किसी कंट्री में था या किसी एक मैथमेटिशियन ने दिया हुआ था, वो किसी किताबों में नहीं था। या हम ये कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन से न्यू सिविलाइजेशन तक, स्टार्टिंग में तो क्या होता था, या तो लीव्स के ऊपर लिखा होता था, या फिर किसी रॉक्स के ऊपर कोई चीज़ लिखी होती थी, या फिर हम जैसे इंसान एक दूसरे को, हमारे दादा हमारे माता पिता को बताते हैं, हमारे माता पिता हमको बताते हैं, ऐसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, इस तरह चलता था जो कन्वर्सेशन थी, ऐसे नॉलेज बढ़ती थी। यूक्लिड्स ने जितना भी चारों तरफ ज्योमेट्री का प्रूफ थे वो उन्होंने अपनी बुक एलिमेंट में, एलिमेंट में सबसे पहले कलेक्ट किया। एलिमेंट में देर वर 13 लेसन्स, एंड 13 लेसन्स, 13 लेसन्स मीन्स 13 बुक्स, हर एक लेसन्स अपना एक पूर्ण बुक थी। तो एलिमेंट जो बुक थी वो किसने दी थी, यूक्लिड्स ने दी थी, चारों तरफ की जो ज्योमेट्री थी उनके प्रूफ से भरा पड़ा है ये। वहाँ पे डेफिनेशन भी हैं, एग्जोम्स भी हैं, पोस्टुलेट्स, ये हम डेफिनेशन एग्जोम पोस्टुलेट्स ये हम इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे इस क्लास नाइन्थ में हमने इनकी डेफिनेशंस, हम डेफिनेशंस करेंगे, एग्जोम्स करेंगे एंड पोस्टुलेट्स करेंगे, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। यूक्लिड के टाइम के जो मैथमेटिशियंस थे वो जिस वर्ल्ड में रह रहे थे, हम भी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे, जो उनको दिखाई दे रहा था वो उसको एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मानते थे ज्योमेट्री का। वहाँ पे पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड्स, ये उनके चारों तरफ जो था वो उन्हीं का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के रूप में लेते थे ज्योमेट्री को। तो यहाँ पे यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन दिए हैं। देर आर 23, अराउंड 23 डेफिनेशंस इन विच सेवन्स आर गिवन हियर। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट की जो डेफिनेशन दी, जो स्टेटमेंट दी, दैट इज दिस इज द पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट। नो पार्ट मीन्स देर इज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। दिस इज पॉइंट विच हैज़ नो डायमेंशंस, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ मीन्स ये हमारे पास लाइन है और इसकी कोई भी ब्रेथ नहीं है, ओनली लेंथ है ये। ठीक है, सेकंड, द एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर एंड पॉइंट्स। अगर हम एंड्स ऑफ ए लाइन यहाँ पे ली, ये वाला और ये वाला, ये जो हैं ये पॉइंट्स हैं इसके, एंड ऑफ ए लाइन्स आर पॉइंट्स, पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये जो लाइन बन रही है ये कैसे बन रही है, इन पॉइंटों के ऊपर से तो बन रही है। यहाँ पे देर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स के ऊपर इवनली लाई करती है ये, हमारे पास ये लाइन बन गई। मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स को मिलके हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, एक लाइन जनरेट हो जाती है। तो अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, जहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ आ जाए, दिस इज अ सरफेस, जिसमें एक लेंथ भी होगी एंड एक ब्रेथ भी होगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है, द एजिज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, जो एजिज हैं, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, एजिज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। तो ये लाइंस होगी हमारे यहाँ से लाइन, दिस इज ए बी, ए बी लाइन हो गया, बी सी, सी डी, डी ए, दीज आर द लाइंस, द एजिज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन से ही तो मिलके बना है ये हमारा,
और इनके बीच में भी आ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर जो ये स्ट्रेट लाइंस बन रही है। ठीक है, अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। इसी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कितनी सारी स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, या ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, लाइक दिस दिस वन, ऐसे भी हमारे पास सरफेस बन सकता है। ठीक है, ये हैं हमारे कुछ डेफिनेशंस, सेवन डेफिनेशंस हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड के बाद फिर सरफेस होगा, सरफेस के बाद फिर हमारे पास लाइन होगी, और लाइन के बाद हमारे पास क्या होगा, पॉइंट। सॉलिड विच हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसमें तीनों चीज़ें होंगी हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी। सॉलिड हैव डायमेंशंस थ्री, थ्री डायमेंशंस हैं। बट जब हम बात करते हैं सरफेस की, सरफेस हैव टू डायमेंशंस, मीन्स वन डायमेंशंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सरफेस यहाँ पे थ्री डायमेंशंस, यहाँ पे टू डायमेंशंस, लाइन ओनली वन डायमेंशन, वन डायमेंशन लेंथ ही है हमारे पास। ठीक है, एंड पॉइंट हैव जीरो डायमेंशंस, मीन जैसे ही हम सॉलिड से पॉइंट की तरफ जाते हैं तो एक एक डायमेंशन हम लूज करते जाते हैं। सॉलिड में थ्री डायमेंशंस, फिर टू डायमेंशन, वन डायमेंशन, एंड पॉइंट में हमारे पास देर इज नो डायमेंशंस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्स कर लेते हैं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, यूक्लिड्स ने जो कुछ डेफिनेशंस दी थी उनमें से हमने सेवन डेफिनेशंस रीड की। डेफिनेशन के अलावा कुछ अजम्पशन किए यूक्लिड्स ने, एंड दीज अजम्पशन वर यूनिवर्सल, ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ थे। इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट था हमारे पास एक्सियोम, एंड दूसरा इसने नाम दिया पोस्टुलेट। पोस्टुलेट जो थे दीज आर स्पेशली फॉर ज्योमेट्री, बट जो एक्सियोम्स थे वो यूनिवर्सल कहीं पे भी मैथ के किसी भी पार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, मैथ के अलावा बाहर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मैथ्स में ही होंगे, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो हम पहले एक्सियोम्स के बारे में रीड करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। मान लीजिए हमारे पास दो थिंग्स हैं, मान ए है और बी है, ए इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज आल्सो इक्वल टू एक्स। जो ए है वो एक्स के इक्वल है, बी भी एक्स के इक्वल है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, जो ए होगा वो बी के इक्वल होगा। मान लीजिए ए की वैल्यू 10 रुपीज़ है, बी की वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ए एक्स के इक्वल है, बी एक्स के इक्वल है, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सेकेंड में सपोज ए हमारे पास 10 था, बी भी हमारे पास 10 है, अगर मैं इक्वल्स ऐड कर दूं, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, तो 10 और 5 क्या हो गया, 15, 10 और 5 15, मींस इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, ये इक्वल थे, इनमें इक्वली ऐड कर दिया, जो हमारे पास होल बना, जो वैल्यू आई, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास ये अजम्पशन, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, सेम, अगर हमारे पास 10 बेबी 10, इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, इसमें से भी इक्वल्स आर एडिड फ्रॉम द इक्वल्स, रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर होगा वो भी हमारा क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5, ये भी हमारा इक्वल हो गया। फोर्थ क्या कहता है, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए एक सर्कल है और दूसरा भी एक सर्कल है, अगर ये इसके इसको कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड करने का मतलब उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो अगर ये इसके ऊपर को आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट, द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट। अब हमारे पास एक ऐसा लैंड है, ये लैंड है, और इसमें से हम, ये होल पार्ट है और इसका एक पार्ट ले लेते हैं, तो जो होल होगा, द होल इज ग्रेटर देन दिस पार्ट, यस डेफिनेटली। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हमने अभी 10 और 10 लिया, जो इसकी डबल होंगी, इसका डबल कितना होगा 20, इसका भी डबल कितना होगा 20, सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी हमने
ये 20 एंड 20 दोनों इक्वल हैं, अगर हम इनका हाफ कर लें ये 10 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे ये भी 10 हो जाएगा। सो या हम जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनका हम हाफ कर दें, हाफ कर दें तो ये हाफ और ये हाफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये थे हमारे एक्सियोम्स, यूक्लिड्स एक्सियोम्स। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ एजम्पशन है। एजम्पशन और भी बहुत सारी हैं यूनिवर्सल, बट इसको इन्होंने यूक्लिड्स ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट कौन सा, जो ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। तो अब हम 5 पोस्टुलेट दिए हैं यूक्लिड्स ने, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब हम यूक्लिड पोस्टुलेट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे 5 पोस्टुलेट्स दिए मैंने, बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, देर इज ओनली वन यूनिक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स। किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, बट टू पॉइंट से अगर हमें गिवन है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। सेकेंड में कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मान लीजिए यहीं तक ही है, ये लाइन टर्मिनेट है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट होगी, इट कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यहाँ पे भी इसको हम जितनी मर्जी दूर तक ले सकते हैं। सो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। मैं सर्कल यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ पे सेंटर जहाँ मर्जी, यहाँ पे सेंटर लिया मैंने, ये लिया, यहाँ पे सेंटर लिया, इससे थोड़ा और बड़ा ले लिया, ठीक है। मैं किसी भी पॉइंट से कितना ही रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री। अगर हम इसको, इसकी जो साइड्स हैं वो बड़ी कर दें, बट ये 90, ये तो 90 डिग्री रहेगा, इसकी जो मेजरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। मीन्स ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। टू स्ट्रेट लाइन्स पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब इस लाइन के इंटीरियर एंगल्स या तो ये होंगे या फिर एक साइड में ये होंगे या फिर ये होंगे, ठीक है, इधर वाले या इधर वाले, दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड में, इस तरफ या इस तरफ। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। देखिए एक मैक्सिमम जो हम यहाँ पे एंगल की बात करें, इंटरसेक्ट वो करें 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल, 290 डिग्री अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम 180 से लेस देन हो, लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, जो ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, आगे की तरफ हम प्रोड्यूस कर दें, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इस तरफ का सम लेस देन 180 होगा तो इनको आगे बढ़ाओगे मिल जाएंगी, और अगर इस तरफ का, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरफ का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो लेस देन 180 होगा। इन दोनों का सम एक 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों का सम। इनको जब हम इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं पे जाके क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। कहने का मतलब ये है, हमारे पास दो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर उसको कट कर रही है, उस लाइन के इंटीरियर में एक ही साइड, अगर उन दोनों का सम 180 से लेस देन है तो इनको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, और उस दूसरी तरफ जाओगे तो ये बढ़ती ही जाएगी। ये था हमारा पोस्टुलेट्स। तो हम इस वीडियो में हमने यूक्लिड्स की डेफिनेशंस, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।